अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय किचन शादाब एवरग्रीन। आज हमारे किचन में हम एक गर्मियों की मज़ेदार डिश बना रहे हैं, कुल्फ़ी। कुल्फ़ी वर्ड जो है वो पारसी वर्ड है जो कुफल से आया है। कुफल का मतलब होता है कवर्ड। तो फिर हम कवर्ड करके उसका ढक्कन पूरी तरह फिट करके बनाते हैं, इसलिए उसको इंडिया में और पाकिस्तान में उसको कुफल से कुल्फ़ी में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए अब हम कुल्फी बनाना शुरू करते हैं। आइए हम मलाई कुल्फी के इंग्रेडिएंट बताते हैं। हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है, प्लस 100 ग्राम होममेड मावा है ये, 100 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम क्रीम है। थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत पड़ेगी, 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, थोड़ा सा हमने सेफ्रॉन लिया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है, और ये पिस्ता पाउडर है, और थोड़े से ये बादाम के पीसेस हैं छोटे छोटे, और टॉपिंग के लिए हमें रोज सिरप की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे एक पॉट ले लिया है और उसमें हमने दूध शामिल कर दिया। इसको हम गरम करेंगे और इसको आधा सुखाएंगे, हाफ रिड्यूस करेंगे और चलाते रहेंगे और इसको सुखाएंगे। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये ऐसा दूध खोलेगा, इसको साइड में ये मलाई मलाई जमते जाएगी, हम इसको चलाते जाएंगे और साइड की मलाई जो है इसको स्क्रब करते जाएंगे और दूध में मिक्स करते जाएंगे, जिसके वजह से हमारा दूध जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। हम इसमें अब खोलते टाइम इलायची पाउडर भी हम इसमें मिला देते हैं ताकि दूध में एक अच्छी खुशबू आए। ये देखिए, ये ऐसी मलाई जम रही है। अब इसको हमें आधा इसको रिड्यूस करना है, दूध को बढ़ा के आप छोड़िए मत, इसको थोड़ी थोड़ी देर से चलाते जाना है और इसकी मलाई जो है उसको निकालते जाना है। तो ये आधा दूध सूखते तक यही हमारा काम रहेगा। अभी अभी ये दूध सूखेगा और ये गाढ़ा होगा। हमें इसको सुखाने का मकसद इसको गाढ़ा करना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि कुल्फी में हमें गाढ़ा दूध चाहिए और जब ये दूध गाढ़ा होगा तभी वो फ्रीजर में जमेगा और उसका टेस्ट जो है वो फिर कुल्फी का टेस्ट जो है वो उसमें आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसमें अभी और 5 से 7 मिनट लगेंगे, हम इसको सुखाते हैं। आधा दूध सूख गया है, अब हम इसमें मावा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। गरम दूध में हम मावे को भी अच्छे से मिलाएंगे, मेल्ट करेंगे इसमें। इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करने की कोशिश करेंगे, इसको चला चला के, ताकि इसमें मोटे मोटे लम्स नहीं रहे मावे के, ये घुल जाएगा गर्मी से। इसको चलाते जाएंगे और थोड़ा सा हाथ से ऐसे मैश करेंगे इसको। देखिए, इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हमारा मावा दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका लुक जो है कितना रिच हो गया है, देखिए सिर्फ मावा डालने से। अब हम इसमें शक्कर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह।
उसको अच्छे से मिक्स करेंगे शक्कर को, शक्कर को भी पकाएंगे, शक्कर को पकाना ज़रूरी है वरना कुल्फ़ी जमेगी नहीं। अब इसके साथ साथ हम सैफ्रॉन ऐड कर देंगे, ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, पिस्ता, बादाम, अब हम इसमें ये क्रीम डाल रहे हैं। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, फ्रेश मलाई। अब ये मलाई को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, ये सबको हम 2 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने ठंडे दूध में 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1/2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर मिला लिया था, अब हम इसमें लास्ट में ये मिला रहे हैं, बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट पकाएंगे, इससे थोड़ा इसमें थिकनेस और आएगी। बस ये हमारी कुल्फी रेडी है। हम गैस ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर हम मोल्ड में डाल के उसको 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे। 7 से 8 घंटे फ्रीजर में रखने के बाद फिर इसको डिसमोल्ड करेंगे। ये हमारी कुल्फी रेडी है, देखिए ये ऐसा होना चाहिए। बस हम गैस ऑफ कर रहे हैं। हमने कुल्फी मोल्ड में नीचे हमने रोज सिरफ डाल के इसको फ्रीजर में हमने 1/2 घंटे के लिए रख दिया था, ये सेट हो गया है और हमारा कुल्फी का बैटर भी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ये बैटर डालेंगे। ये छोटा है तो इसको छोटे स्पून से ही डालना पड़ेगा वरना ये गिर जाएगा। हम अपने पूरे मोल्ड में कुल्फी फिल कर लेंगे। जब ये सारे फिल हो जाएंगे तो इसको हम कवर करके 7 to 8 आवर्स हम इसको फ्रीजर में फ्रीज करेंगे, उसके बाद फिर ये रेडी रहेगी। हमने कुल्फी को कुल्फी मोल्ड में अच्छे से सारा फिल कर दिया है, अब हम इसको कवर करके बिस्मिल्लाह इसको फ्रीजर में रखेंगे। कम से कम 8 आवर्स के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे और फिर 8 आवर्स बाद हम आपको
जब ये सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये देखिए, और नीचे ये रोज़ सिरफ का कितना अच्छा शेड आया है। इसको हम फ्रीज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने 8 आवर्स बाद ये फ्रीज़र से कुल्फ़ी को निकाल लिया है। अब हम इसको डिसमोल्ड करते हैं। इसको हमने एक बार नॉर्मल पानी में, ऐसे बॉल में नॉर्मल पानी रख के इसको एक बार डिप करके निकाल लिया। अब हम बिस्मिल्लाह इसको निकालते हैं। ओह माशाल्लाह, हमारी कुल्फी जम गई है। बिस्मिल्लाह, वेरी रिच एंड टेस्टी। इसमें मलाई का, ज़ाफ़रान का बहुत अच्छा मज़ा है। और ये दानेदार कुल्फी बनी है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, हमारी कूल ठंडी कुल्फ़ी बनके तैयार है, जो कि गर्मियों के लिए खाने के लिए बहुत डिलीशियस होती है और आपको बहुत राहत देगी, मज़े में भी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी मेरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए और आपके कमेंट्स मुझे शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए और मेरे वीडियोज़ आपके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। हाँ, हमारे वीडियोज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मौजूद हैं, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।